राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? नाम कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल हैं। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी हैं श्रीमती कुशल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह। विश्व की सबसे नन्ही जादूगर महिला थी? विश्व की सबसे नन्ही जादूगर महिला आंचल कुमावत। आंचल कुमावत जो हैं विश्व की सबसे नन्ही जादूगर महिला थी। आदिवासियों की बाईजी किनका उपनाम है? आदिवासियों की बाईजी किनका उपनाम है? मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। पानी वाली बहन जी किनका उपनाम है? पानी वाली बहन जी किनका उपनाम है? विमला कौशिक। विमला कौशिक का नाम पानी वाली बहन जी है। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम प्रेमल देवी था। क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम प्रेमल देवी था। भक्त कवित्री कर्माबाई किस जिले से थी? भक्त कवित्री कर्माबाई किस जिले की थी? नागौर। भक्त कवित्री कर्माबाई नागौर जिलों से बिलोंग करती थी। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री भाटी किस जिले से थी? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री भाटी जोधपुर से थी। भील बालिका कालीबाई का निधन कब हुआ था? भील बालिका कालीबाई का निधन 21 जून 1947 को हुआ था। भील बालिका कालीबाई का निधन 21 जून 1947 को हुआ था। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला प्रमुख कौन बनी? नगेंद्र बाला वे प्रथम महिला हैं जो राजस्थान की जिला प्रमुख बनी। स्वतंत्रता सेनानी खेतूबाई किस रियासत से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी खेतूबाई किस रियासत से संबंधित थी? वो थी बीकानेर से। कहाँ से थी? सेनानी खेतूबाई किस रियासत से संबंधित थी? बीकानेर से। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का आचार्य कहाँ से थी? स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई आचार्य आपके बीकानेर से थी। 1952-53 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना किसने की? 1952-53 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना किसने की? नाम है नारायणी देवी वर्मा। बागड़ बा किसका उपनाम है? मणिबहन पांड्या का नाम बागड़ बा उपनाम है। गांधी जी की मानस पुत्री का सौभाग्य किसे है? सत्यभामा बूंदी से इनको गांधी जी की मानस पुत्री की सौभाग्य कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शांता त्रिवेदी आपके उदयपुर से थी। सुशीला त्रिपाठी जो स्वतंत्र सेनानी थी वे अलवर से बिलोंग करती थी। और सत्यवर्ती शर्मा भरतपुर से बिलोंग करती थी जो स्वतंत्रता सेनानी थी भरतपुर से। और सुशील सेनानी थी स्वतंत्र सेनानी सुशीला त्रिपाठी वे थी अलवर से।
और शांता त्रिवेदी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, वे थी उदयपुर से। डंकेरी चोट किनका प्रजामंडल गीत है? डंकेरी चोट किसका प्रजामंडल गीत है? जय नारायण व्यास। डंकेरी चोट किनका प्रजामंडल गीत है? जय नारायण व्यास। पीड़ितों का पंचीड़ा किसका प्रजामंडल युगीन गीत है? पंडितों यानी पीड़ितों का पंचीड़ा प्रजामंडल युगीन गीत माणिक्य लाल वर्मा जी का है, माणिक्य लाल वर्मा जी का। सपनों आयो किनका प्रजामंडल युगीन गीत है? सपनों आयो किनका प्रजामंडल युगीन गीत है? हीरा लाल शास्त्री का सपनों आयो प्रजामंडल युगीन गीत है। खूनिया रो राज किनका गीत है? खूनिया रो राज गीत है अर्जुन लाल सेठी का। खूनिया रो राज गीत है। सपनों आयो जो कि प्रजामंडल युगीन गीत है, जो हीरा लाल शास्त्री जी का है। और प्रजामंडल युगीन गीत पीड़ितों का पंचीड़ा वाला माणिक्य लाल वर्मा का है। और डंकेरी चोट जय नारायण व्यास जी का है। काला बादल किसका गीत है? काला बादल गीत भैरव लाल काला का है, उनके नाम से भी है। काला बादल गीत भैरव लाल काला का। अहिंसारो गीत प्रजामंडल युगीन गीत है। अहिंसारो गीत प्रजामंडल युगीन गीत है, जो कि उदय राज उज्जवल का। अहिंसारो गीत है, जो कि किनका है? उदय राज उज्जवल। इससे जिन स्वम पद जीम जैतन हस्सम किसकी पुस्तक है? जो 1857 नाथूलाल खड़गावत। जो देश के लिए जिए पुस्तक के रचयिता कौन हैं? जो देश के लिए जिए पुस्तक के रचयिता आपके हैं शंकर सहाय सक्सेना। जो देश के लिए जिए पुस्तक के रचयिता हैं शंकर सहाय सक्सेना। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार के संपादक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। राजपूताना गजट कहाँ से प्रकाशित होता था? जो कि अजमेर से होता था भैया। राजपूताना गजट कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर से। अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक आपके जय नारायण व्यास जी थे। अखंड भारत समाचार पत्र संपादक जय नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक थे। सज्जन कीर्ति सुधाकर कब प्रकाशित किया गया? सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 में प्रकाशित किया गया। त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक आपके हरिबाऊ उपाध्याय हैं। त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक हरिबाऊ उपाध्याय कौन? त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक हरिबाऊ उपाध्याय। आगी बाण प्रकाशित होता था आपके ब्यावर अजमेर से। कहाँ से? ब्यावर
अजमेर से आगी बाण प्रकाशित होता था। लोकवाणी का संपादन कब शुरू किया गया? लोकवाणी का संपादन शुरू किया 1943 को। लोकवाणी का संपादन 1943 का। राजस्थान दलित जाति संघ के संस्थापक, राजस्थान लोक दलित जाति संघ का संस्थापक थे अमृतलाल यादव। कौन थे? अमृतलाल यादव राजस्थान दलित जाति संघ के संस्थापक हैं भैया। राजस्थान के दलित जाति के जो संस्थापक हैं अमृतलाल यादव हैं। भील सेवा मंडल किसने स्थापित किया? भील सेवा मंडल विट्ठल दास ठाकुर ने किया था। और राजस्थान दलित जाति संघ संस्थापक थे अमृतलाल यादव। और सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की? सर्व सेवा संघ की स्थापना आपकी की सिद्धराज ढड्डा ने की थी। उम्मेद भवन को छीतर पैलेस कहते हैं, जो कि जोधपुर में स्थित है। सामोद महल आपका स्थित है जयपुर में। उम्मेद भवन जोधपुर में। पुष्कर महल रणथंबोर सवाई माधोपुर। एक पुष्कर आपके अजमेर में, इसको इसे भ्रमित करने के दे सकता है। पुष्कर महल रणथंबोर सवाई माधोपुर। और सुनहरी कोठी टोंक, और खेतड़ी महल झुंझुनू। कहाँ पर? खेतड़ी महल झुंझुनू। सुनहरी कोठी टोंक, पुष्कर महल रणथंबोर सवाई माधोपुर, सामोद महल जयपुर, और उम्मेद भवन जोधपुर। पटवों की हवेली जैसलमेर। सोने चांदी की हवेली भैया महनसर झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। सुराणा की हवेली चूरू। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू। सुराणी की हवेली चूरू। गेटौर की छतरी जयपुर। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू। और सुराणा की हवेली चूरू। और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। पटवों की हवेली जो नथमल की हवेली जैसलमेर में। और सुराणा की हवेली चूरू में। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में। गेटौर की छतरी जयपुर में। आहाड़ की महासतियाँ आहाड़ उदयपुर भैया। आहाड़ की महासतियाँ
आहाड़ उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर। महाराणा उदय सिंह की छतरी, महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर, जो कि महाराणा प्रताप अतिकाय महाराणा उदय सिंह के ही पुत्र थे। देवकुंड की छतरियाँ, देवकुंड की छतरियाँ आपकी स्थित हैं बीकानेर में। देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में स्थित हैं भैया, देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में। बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर। मूसी महारानी, मूसी महारानी, मूसी महारानी छतरी अलवर। मूसी महारानी की छतरी अलवर, अलवर। मूसी महारानी की छतरी अलवर में, मूसी महारानी छतरी अलवर में। और चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की, चौरासी खंभों की छतरी आपकी है बूंदी में। चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की छतरी है बूंदी में। बूंदी, चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की, चौरासी खंभों की छतरी बूंदी में। नेड़ा की छतरियां अलवर में, नेड़ा की छतरियां अलवर में, नेड़ा की छतरियां अलवर में, नेड़ा की छतरियां अलवर में। और गौराधाय की छतरी, गौराधाय, 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 गौराधाय की छतरी जोधपुर में, गौराधाय की छतरी जोधपुर में। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, भैया देखो, जगन्नाथ, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। और रानी सूर्य कंवर की छतरी, रानी सूर्य कंवर की छतरी, रानी सूर्य कंवर, रानी सूर्य कंवर की छतरी जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जैत्र सिंह की छतरी, जैत्र सिंह की, जैत्र सिंह की छतरी रणथंबोर सवाई माधोपुर में। जैत्र सिंह की छतरी रणथंबोर सवाई माधोपुर। और रैदास जी की छतरी, रैदास जी की छतरी, रैदास जी की छतरी जो कि कवि हैं, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में रैदास जी की छतरी है, रैदास चित्तौड़गढ़ में। और जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी स्थित बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा, जोध सिंह छतरी बदनौर भीलवाड़ा। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में, जैत्र सिंह छतरी रणथंबोर सवाई माधोपुर में, रानी सूर्य कंवर की छतरी जोधपुर में, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, गोरा धाय की छतरी जोधपुर में, नेड़ा की छतरियाँ अलवर में, चौरासी खंभों की छतरी बूंदी में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में। इम्पोर्टेंट, जसवंत थड़ा जो राजस्थान का ताजमहल है, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल स्थित है आपका जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल जोधपुर में, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में। भांडा रेज की बावड़ियाँ, कहाँ की? भांडा रेज की बावड़ियाँ, भांडा रेज की बावड़ियाँ, भांडा रेज दौसा में, भांडा रेज दौसा में, भांडा रेज की बावड़ियाँ। और झालर बावड़ियाँ, झालर बावड़ियाँ, झालर बावड़ी स्थित है आपकी बेंगू चित्तौड़गढ़, झालर बावड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़। बुबानिया की बावड़ी, बुबानिया, बुबानिया की बावड़ी आभानेरी दौसा, बुबानिया की बावड़ी आभानेरी दौसा। मंदाकिनी की बावड़ी, मंदाकिनी की बावड़ी अचलगढ़ सिरोही, मंदाकिनी की बावड़ी अचलगढ़ की सिरोही। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर,
सीकर, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, आलूदा की बावड़ी दौसा, आलूदा की बावड़ी दौसा और चांद बावड़ी प्रमुख आवानेरी दौसा, चांद बावड़ी आवानेरी दौसा में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, मुबारक महल जयपुर व टोंक में, मुबारक महल जयपुर व टोंक में, छत्र महल बूंदी, जूना महल डूंगरपुर, जूना महल डूंगरपुर में, सुख महल बूंदी में, सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर में, फूल महल बूंदी में, एक थंबिया महल डूंगरपुर और जोधपुर में, पुष्य नक्षत्र हवेली जोधपुर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जोधपुर।